रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभी हम मौजूद हैं संग्राम घाट पे और आज यहाँ से 620 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकलने वाली है। 620 किलोमीटर लंबी पदयात्रा जो जमुना जी के संकल्प को लेके निकल रही है। रंजीत महेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पदयात्रा के संकल्प लेके आज वो यहाँ से मथुरा से निकल रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है उनका 620 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने का? रंजीत महेश पाठक जी हमारे दर्शकों को बताएं कि ये 620 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य बड़ा सिंपल है, हम सभी को पता है कि यमुना जी की क्या हालत है हथनी कुंड के बाद और स्पेशली दिल्ली के बाद। उद्देश्य ये है कि हम लोग 620 किलोमीटर की जो यात्रा कर रहे हैं ये अद्वितीय इसीलिए है क्योंकि इसको पहली बार माँ यमुना के जो मायके वाले हैं यमुनोत्री धाम निवासी और जो ब्रज में माँ को यमुना जी को अपनी माँ समझते हैं, तो ये उनका ससुराल पक्ष है, वो उनका मायका है, तो मायका और ससुराल पक्ष एक साथ इस बार निकलेगा और माँ यमुना के लिए उनकी आवाज़ बनेगा और उनकी आवाज़ बनकर के उनके जितने भी पुत्र हैं ये देशवासी हैं, ये देशभक्त हैं, हमारे देश में भी हमारी जो नेशनल एंथम है उसमें भी यमुना गंगा, पहले यमुना का स्मरण होता है फिर गंगा का स्मरण होता है, तो इस 130 करोड़ लोगों की जनता को जगाने के लिए ये पदयात्रा है। आप ने नमामि गंगे किया है, हमारी आपसे एक निवेदन है, आप आत्मनिर्भर यमुने करिए। जैसा कि आपका ये प्रोजेक्ट चलता है आत्मनिर्भर से आप यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो 620 किलोमीटर यात्रा निकालने के बाद क्या आपको लगता है कि लोग जागरूक होंगे? क्योंकि जमुना जी आज जिस दुर्दशा पे अपनी पे रह रही है, जिस दुर्दशा पे रो रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 15 नवंबर को हमने यहाँ से संकल्प लिया, 17 नवंबर को हमने वहाँ पे स्थापना की और जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो डिसीजन लेकर के बोला यमुना जी का कार्य होना चाहिए, तो ये हम नहीं करवा रहे, ये तो यमुना जी स्वयं करवा रही है। आपने रंजीत महेश पाठक जी को सुना, इसी श्रृंखला में हमारे साथ उनकी माता जी जुड़ी हुई हैं, आइए बात करते हैं उनसे कि कैसा लग रहा है उनका बेटा आज उस जमुना महारानी को शुद्ध करने जा रहा है जिसको लेके लगातार संघर्ष होते रहे हैं, मगर जमुना जी की गंदगी आज तक सही नहीं हुई है, उसको लेके आज उनकी माता जी से पूछते हैं कि कैसा लग रहा उनका बेटा आज उनकी माता जी कैसा महसूस कर रही है, उनका बेटा मथुरा से गंगोत्री धाम जा रहा है और कैसा लग रहा आपको आज आपके बेटे ने जो बीड़ा उठाया है जमुना मैया को लेकर? कोमल पग और युवा अवस्था, कठिन डगर पर मन में आस्था, मैं धन्यों के कहते हैं ना कि जननी को धन्य होना चाहिए, मैं धन्यों के आज मेरा बेटा अपनी माँ के काम के लिए जा रहा है और पूरी कोशिश करेगा कि यमुना जी की को स्वच्छ कराने में ये अपनी भूमिका निभाए, इसको बीच में ही नहीं छोड़े। माता जी हमारे दर्शकों को बताएं, कभी भैया इतने पैदल चले हैं जितना आज जा रहे हैं? मैंने क्या कहा, कोमल पग और युवा अवस्था, मेरा तो मखमल में पला हुआ बच्चा है लेकिन आज नंगे पैर चला, इसके छाले देख के मेरा दिल रोता है। यमुना जी ताकत देगी, माता जी मेरा बेटा कभी इतना पैदल नहीं चला, मगर आज 620 किलोमीटर आज वो पैदल चल के आज यमुना जी की दुर्दशा को सुधारने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की आवाज के लिए बीएल पांडे की रिपोर्ट मथुरा।